अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 रास्ते में जे जन कहीं कुशल हम देखे, जे जन कहीं कुशल हम देखे। ते प्रिय राम लखन समले, विधि बूझत सब ही सुबानी। विधि बूझत सब ही सुबानी। सुनत राम बन बास कहानी, संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। भैया भरत जी समाज के साथ आगे बढ़े, मार्ग के कोल भीलों को भरत जी का दर्शन प्राप्त भया। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत दरस देखत खुले ओ मगलोगन कर भाग। कैसे जनु सिंघल बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रया। भरत जी पूरे समाज को लेकर चित्रकूट जा रहे हैं, मार्ग के कोल भीलों को भरत भैया का दर्शन प्राप्त भया। वन में रहने वाले कोल भीलों को भरत भैया का दर्शन मिला। ये दर्शन उन लोगों के लिए उसी प्रकार है कैसे गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे सिंघलपुर में रहने वाले लोग, सिंघलपुर समझते हैं लंका, श्रीलंका, जिस प्रकार श्रीलंका में रहने वाले लोगों को अचानक प्रयाग का दर्शन प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार वन में रहने वाले कोल भीलों को भरत जी का दर्शन प्राप्त हो गया। असंभव संभव हो गया। श्रीलंका में कहां प्रयाग है हो, हाँ, लेकिन जैसे भाग्य के कारण श्रीलंका में रहने वाले लोगों को प्रयाग सुलभ हो जाए, उसी प्रकार वन में रहने वाले इन कोल भीलों को भरत भैया का दर्शन प्राप्त भया।
गांव के बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे। भरत जी राम जी के देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बच्चों को नहीं पता कि ये भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं। भाई जी, बच्चों ने देखा कि उस दिन भी सांवले गोरे आए थे, आज भी सांवले गोरे आए हैं। बच्चे दौड़कर गांव में जाकर अपने माता पिता से कहते हैं, अरे उस दिन वाले दोनों फिर आ गए। कोल भीलों का पूरा गांव बाहर आकर खड़ा हो गया, आपस में विचार करने लगे, वही हैं क्या? एक ने कहा, नहीं नहीं वो नहीं है। क्यों? उस दिन जो दोनों जा रहे थे वो दोनों हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये उस दिन वाले नहीं हो सकते हैं। एक ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके साथ एक स्त्री थी, इनके साथ तो विशाल समाज जा रहा है, ये उस दिन वाले नहीं हो सकते। एक वृद्ध बाबा ने कहा, मैं बताऊं कौन है? उस दिन जो दोनों गए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं। वो दोनों घर से रूठ कर चले आए हैं, लगता है ये दोनों भैया को मनाने के लिए जा रहे हैं। तब एक बाबा ने कहा, उनसे तो हम लोगों ने बहुत प्रार्थना की कि साथ में ले चलिए, वो नहीं ले गए, ये वहीं जा रहे हैं, क्यों ना हम लोग भी इनके समाज में सम्मिलित हो जाएं, इनके साथ लग जाएंगे तो हम लोग भी उनके पास पहुंच जाएंगे। मार्ग के जितने कोलभील भरत जी के पास आते गए, प्रार्थना करते गए, भरत जी किसी को मना नहीं किए, सबको समेटते गए। यही साधु का व्यवहार है। साधु का काम जानते हैं क्या है? संसार में घूमता रहे, और जो जीव संसार में फंसा हुआ है उसके मन को संसार से निकाल कर और भगवान के चरणों तक पहुंचा जाए, यही साधु का व्यवहार है जो भरत जी कर रहे हैं। और एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में सबका पीछा भी नहीं करना चाहिए। चलेश भैया, जीवन में उसी का पीछा करना चाहिए जो हमको भगवत प्राप्ति करा दे, भगवान की कथा में पहुंचा दे, मंदिर में पहुंचा दे, किसी आश्रम पर पहुंचा दे। मार्ग के लोग भरत जी के साथ लगे, भरत जी सबको लेकर चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे हैं, किनारे में। रात्रि विश्राम भया, प्रातःकाल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उहां राम रजनी अवशेषा, उहां राम रजनी अवशेषा जागे सपन अस देखा, जागे सिया सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आन आनो
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उहां राम रजनी अवशेषा। कहां पर? उहां। यहां दर्शन करिए कितनी बारीक लेखनी है गोस्वामी जी की। कहते हैं उहां यानी वहां पर। कहां पर? जहां राम जी सोए हैं, सीता मैया सोई हैं, चित्रकूट में राम जी जगे, तो गोस्वामी जी कहां है? यहां पर। जब कोई यहां रहेगा तभी वहां की बात करेगा। यदि वहां राम जी जगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहां है? यहां, जहां भरत भैया है। क्यों? तुलसीदास जी भी चाहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भगत के ही शरण में रहना पड़ेगा। बिना भगत के शरणागति भय भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी भरत भैया के पास हैं। प्रातः काल रात्रि बीतने पर प्रभु श्री राम जगे। सीता मैया ने प्रणाम करके कहा, नाथ मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा, भरत भैया आ गए हैं। पूरा शरीर वियोग के कारण दुर्बल हो गया है प्रभु, साथ में पूरा समाज है, परिवार है, माताएं भी हैं, लेकिन नाथ माताओं का आज स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। भगवान सुने तो प्रभु विह्वल हो गए, कहे जानकी भोर बेला का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य न हो जाए, स्वप्न मंगलकारी नहीं है। लक्ष्मण भैया को लेकर प्रभु श्री राम भगवान शंकर का पूजन प्रारंभ कर दिए। पूजनोपरांत राम जी मुनियों का आदर सम्मान करके बैठे ही थे अभी, तब तक दिखाई पड़ा उत्तर दिशा की आकाश में पूरा का पूरा वायुमंडल धूल से भर गया। पक्षी चहचहाकर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित होकर दौड़कर आश्रम के भीतर गए। कुछ कोल भील रघुनाथ जी को ढूंढ रहे थे। राम जी ने पूछा क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा, प्रभु आपके कोई भाई है क्या आपके जैसे? राम जी बोले, है ना, उनका नाम भरत है क्या प्रभु? राम जी बोले, हाँ ठीक भरत नाम है। कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए नाथ। ऐ जैसे रघुनाथ जी सुने, यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्वामी जी कहते हैं भरत जी के आगमन की सूचना मिलते ही भगवान श्री राम के शरीर के सारे रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। है इतना आनंद मुड़ा हो, लेकिन समझिएगा भगवान अगले क्षण ही उदास हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये प्रसन्नता और उदासी एक साथ दोनों कैसे आ गए? प्रसन्नता इसलिए भय कि जिसकी कल्पना कर रहे थे अचानक उसके आगमन की सूचना मिल गई, और भगवान उदास इसलिए हो गए कि कारण कवना भरत क्यों आ गया। मैंने तो सुमंत जी से कहा था कि भरत जी से कहिएगा अयोध्या की सत्ता को संभालेंगे, भरत इस वन में क्या करने चले आए। अभी भगवान सोच ही रहे थे तब तक एक कोल ने आकर कहा, प्रभु अकेले नहीं आए हैं, साथ में चतुरंगिणी सेना भी लेकर आए हैं। सेन संग चतुरंग न थोरी। अब यहां समझिएगा, सेना शब्द सुनते भगवान सोचने लगे, लगता है अपने भैया को वन में अकेला जानकर मेरा भाई सेना देने के लिए आया है। अब राम जी यहां दुविधा में पड़ गए। यदि भरत जी कह दें कि भैया बहुत हुआ वापस चलिए,
तो मैं भाई के वचन, पिताजी के वचन को बचाऊंगा कि भाई के प्रेम को बचाऊंगा? आज तक मैंने कभी भी अपने भाई भरत के मन को नहीं तोड़ा है। इत पितु बच इत बंधु सखोचु, मैं करूंगा क्या? एक निवेदन करूं आपसे, देखिए जीवन में जिनके साथ पूरा समय निकालना है ना, जिनके साथ पूरे जीवन की यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास किया जाए। क्यों? एक बार जब स्वभाव समझ में आ जाता है ना, तो फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। घर में परिवार में समस्या तभी होती है माई बाप हम जब सामने वाले के स्वभाव को नहीं जानना चाहते। राम जी दुविधा में पड़े तो राम जी क्या किए, भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे भरत भैया के स्वभाव का चिंतन भया, भगवान को समाधान भी मिल गया। क्या मिला? भरत कहे महु साधु सयाने। राम जी कहते हैं भरत जी के आने से मुझे क्यों चिंता हो करना, भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। यही भरत चरित्र है। भरत जी के जीवन का वैशिष्ट्य क्या है कि भरत जी सदैव राम जी के कहने में रहते हैं। अर्थात जितना राम जी सोचते हैं भरत भैया केवल उतना ही करते हैं। भरत जी अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करते। आपके घर में, आपके परिवार में यदि कोई आपके मन से चल रहा है, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। आप सोच रहे हैं और घर में कोई उसका अनुसरण कर रहा है, ये आपके जीवन की उपलब्धि है भाई जी। बहुत दुर्लभ है वो, बहुत दुर्लभ है। और हमारे बड़े को यदि हमारे पर ये विश्वास हो गया, हमारे पिता को, हमारे सद्गुरु को, हमारे स्वामी को, हमारे बड़े भाई को, क्या कि हम यदि कोई बात इनसे कह दें तो मेरा विश्वास है कि ये मना नहीं करेंगे। यदि हमारे श्रेष्ठ को हमारे पर ये विश्वास हो गया, तो समझिएगा आपने अपने इस मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये कैसे होगा? ये आचरण से होगा, ये बोलने से होने वाला नहीं है। राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या? राम जी, भरत जी के जीवन की, राम जी कहते हैं भरत कहे महु साधु सयाने। भरत जी मेरे कहने में है। और देखिए ये जीवन है, तभी आज हम और आप बैठकर ये कथा गा रहे हैं। यदि भरत जी राज सत्ता स्वीकार कर लिए होते ना, तो हम और आप भरत चरित्र की कथा कदापि नहीं गाते। आज यहां पर कथा से पूर्व भरत भाई सम्मान दिया गया, कई सम्मान दिए गए यहां से। ये क्या है? आपके जीवन में यदि धर्माचरण होगा, आपके जीवन में आदर्श जीवन स्थापित होगा, तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, पूरा क्षेत्र ही आपके नाम का गुणगान करता रहेगा। यही श्रेष्ठ जीवन है। हमारे पूज्य महाराज श्री भजन गाते, उसका एक अंतरा मैं आपको सुनाऊं। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, जाने के बाद भी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी कहेगी
नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा का। यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो शरीर भले समाप्त हो जाए, परंतु हमारा प्रेम संसार से कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यही जीवन का अमरत्व है। देखिए, अमर होना अर्थात ये नहीं कि हम मरे नहीं। जो जीवित है और उसका पड़ोसी भी उसका नाम नहीं सुनना चाहता, वो जिंदा नहीं हो, मरे के समान है, वो मृतक है। और जिसके जाने के बाद भी आदर से संसार के लोग उसका नाम लेते हैं, वो जाने के बाद भी संसार में जीवित है, उसका नाम जीवित है। राम जी कहते हैं, भरत जी मेरे कहने में है, भरत जी साधु हैं, सज्जन हैं, आने दो, कोई बात नहीं। आपसे पीछे के दिनों में मैंने एक बात निवेदन की, संभवतः पहले दिन, कि एक साथ रहने वाले दो लोगों के विचार भी एक हो जाएंगे, आवश्यक नहीं है। आपके स्मरण में बात होगी। राम जी सोचने लगे कि भरत जी मुझे सेना देने आए हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि सेना लेकर भरत जी राम जी से युद्ध करने आए हैं। निकाल लिए धनुष बाण, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत को मार दूंगा। सेना लेकर भैया से युद्ध करने आया। ऐ गरज उठे लक्ष्मण जी, इतना गरजे, बोले आज यदि शंकर भी सहायता करने उतर जाए तो भरत को मेरे इस बाण से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ललकार दिए। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की, जय हो लक्ष्मण जी, दिव्य कहा आपने। और इतना कहने के बाद धीरे से आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने से पहले 100 बार विचार करता है। ऐसा नहीं कि आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आपने बिल्कुल ठीक कहा, राज मद सबसे कठिन मद होता है, परंतु आप कह रहे हैं कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके और मेरे भाई भरत को अभिमान हो गया है। मैं कहता हूं लक्ष्मण, मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या, भरत जी को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई भरत को अभिमान होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। राम जी कहते हैं, ये संभव है लक्ष्मण कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए, संभव है। ये संभव है कि जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह जाए। ये भी संभव है कि मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, संभव है। परंतु मेरे भाई भरत को अभिमान हो जाए, ये किसी युग में संभव नहीं है लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भगवान ने लक्ष्मण जी की सौगंध उठा ली। लखन तुम्हार शपथ पितुवारा, लखन तुम्हार शपथ पे तुआना, सुचे सुबंधो नहीं भरत समाना, सुचे सुबंधो नहीं भरत समाना।
भरत हंस रवि पंस तड़ागा, भरत हंस रवि पंस तड़ागा, जनमी कीन्हा गुण दोष विभागा, राम जी ने लक्ष्मण जी की सौगंध ली, लखन तुम्हार सपथ पितु आना, पूज्य पिताजी की सौगंध लक्ष्मण, भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। देखिए कोई आदमी कोई व्यक्ति बोल रहा हो ठीक, और नदी में उतर रहा हो, बोलते जा रहा है और नदी में उतरते जा रहा है, कब तक बोलेगा? मुख के नीचे तक जब तक पानी रहेगा तब तक वो बोलता रहेगा, और जैसे उसमें डूबा फिर बोल नहीं पाएगा। हा? राम जी लक्ष्मण जी से भरत जी के बारे में बता रहे थे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, कहत भरत गुण शील सुभा, कहते कहते प्रेम पयोधि मगन रघुरा, प्रेम के समुद्र में भगवान इतने डूब गए कि कहते कहते भगवान मौन होकर मग्न हो गए। डूबने के बाद बोलने का काम समाप्त हो जाता है। है, जब कोई बहुत प्रेमी मिल जाए ना तो फिर वार्ता बंद हो जाती है, आदमी खो जाता है। हाँ? भरत जी के स्वभाव को गुण को शील को बताते बताते भगवान मग्न हो गए। लक्ष्मण भैया को भी आत्मग्लानी, भाई मैंने भरत भैया में दोष का दर्शन कर लिया। हाँ? इधर भरत जी निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर गुरुदेव एवं माताओं से अनुमति प्राप्त करके राम जी से सबसे पहले स्वयं मिलने के लिए आए हैं। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर निषाद राजगुरु ने भरत जी को भगवान की कुटिया का दर्शन कराया है। भरत भैया को लेकर निषाद राजगुरु भगवान की कुटिया के द्वार पर पहुंचे। निषाद जी ने कहा, भरत जी वो देखिए आपके भैया बैठे हैं, भीतर जाकर आपको जो कहना है कह दीजिए। भरत जी भीतर नहीं गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, उस कुटिया के द्वार पर ही भरत जी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए और जोर से भरत जी बोले, क्या पाहिना कही पाही गुसाई भूतल पड़े लकुट कीनाई। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर भरत जी जैसे कोई लाठी धरती पर गिरे हो, खड़े खड़े भरत भैया गिर पड़े और एक ही वाक्य निकला, पाहिनाथ प्रभु पाहिनाथ प्रभु मेरी रक्षा करिए प्रभु। इतना कह के भरत जी गिर पड़े। लक्ष्मण भैया के कान में यह ध्वनि गई। अब आप कल्पना करिए, भगवान के साथ में रहने वाला जब इस पुकार को सुन लिया तो क्या भगवान नहीं सुने होंगे? है, लेकिन आज सुनने के बाद भी भगवान ने अनसुना कर दिया।
कोई प्रतिक्रिया नहीं भई। क्यों नहीं भई? भगवान मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भाई भरत हैं जिनको आप मारने के लिए जा रहे थे और अब मुझे पुकार रहे हैं। अब जब तक आप नहीं कहोगे भरत को उठाने के लिए, तब तक लक्ष्मण मैं अपने भाई को उठाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने धरा पर सिर को प्रणाम रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राम जी से कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे राम जी के कान में भरत शब्द सुनाई पड़ा, आप भगवान के वेग का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान इतने वेग में उठे कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निसंग, ये चारों भगवान के शरीर से नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? चार वस्तु छोड़ के भरत जी आए थे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। चार वस्तु छोड़कर राम जी भरत जी के पास गए। प्रसंग कहता है कि जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। पटका गिर गया लक्ष्मण जी के पास। पटके ने कहा, लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम भगवान के शरीर पे बने रहते, राम जी भरत जी को हृदय लगाते, तो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी, भाई से जब भाई मिले ना, तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम शरीर से नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, परंतु देखिए रघुनाथ जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलता है ना, तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई से मिलता है। इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम चारों भगवान के शरीर से नीचे गिर गए और मानो भरत जी से कहने लगे, भरत जी आप नीचे गिरकर राम जी को दंडवत करते हैं और हम चारों भगवान के शरीर से नीचे करके आज भरत जी को दंडवत करते हैं, क्योंकि हमने जीवन में आपके जैसा दूसरा कोई भाई नहीं देखा है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान दौड़कर पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी बर बस लिए उठाए। राम जी बरबस भरत जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। इसके कई कारण महापुरुषों ने बताए।
एक तो ये कारण है कि भरत जी अपना मुख नहीं दिखाना चाहते, उठूंगा तो ये कलंकी मुख प्रभु के सन्मुख चला जाएगा। एक दूसरा कारण है, भरत जी अब कैकेयी जी को मां नहीं बोलते, अब किसको मां बोलते हैं? सीता मैया को, क्योंकि लक्ष्मण जी से चलते समय सुमित्रा मैया ने एक बात कही थी, लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं है। लक्ष्मण जी बोली मेरी मां कौन? तो कहती है सुमित्रा मैया कि तात तुम्हारी मां तू वैदेही। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण आज के बाद सीता ही तुम्हारी मां है, राम ही तुम्हारे पिता हैं, हम लोगों को सपने में भी याद मत करना। जब भरत जी अयोध्या आए थे तो सुमित्रा मैया की ये बात भरत जी के कानों तक पहुंची, तो उस दिन से भरत जी भी सीता मैया को अपनी मां मान लिए थे। अब भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां कौन है? कहिए, धरती मैया। सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या हो गई? दीनदयाल भैया, नानी हो गई ना। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया, तो धरती मैया भरत जी की नानी हो गई। आज भरत जी उठ क्यों नहीं रहे जानते हैं? भरत जी धरती पर दंडवत किए तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ रखा है कि आज आप जैसे नाती को प्राप्त करके ये धरती भी धन्य हो गई है, इसलिए भरत जी नहीं उठ रहे। राम जी बरबस उठाना चाहते हैं। राम जी ने पूछा, भाई आप उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले, भैया मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, कैसे आपके सन्मुख खड़ा होऊंगा मैं? राम जी बोले, भाई यदि आप मुख नहीं दिखाना चाहते तो मैं वचन देता हूं मैं आपका मुख देखूंगा भी नहीं, लेकिन भरत मैं अयोध्या से चला तो सबसे मिला, अपने भाई से नहीं मिल पाया था, और उसकी पीड़ा अब तक राम के हृदय को जला रही है। भरत, जब तक तुम मेरे हृदय से नहीं लगोगे, मेरे हृदय के ताप कभी समाप्त तो नहीं हो पाएगा। भरत जी को प्रभु ने कहा, मैं मुख नहीं देखूंगा, एक बार मेरे हृदय से लग जाओ। और आप दर्शन करिए, भगवान ने मुख नहीं देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ने उठाया, बर बस लिए उठा, और बिना भरत जी का मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा, बिना चेहरा देखे प्रभु ने गले लगा लिया। गले लगते समय भरत जी का मुख भगवान के पीछे चला गया, और दोनों भैया गले लगकर आज इतना रोए हैं माई बाप। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब अपार। भरत जी और राम जी की इस मिलन का दर्शन करके, आप में से जो चित्रकूट गए होंगे देखे होंगे, वहां जो पत्थर थे सारे पत्थर पिघलने लगे, जैसे बर्फ पिघलता है माई बाप, उसी प्रकार राम जी और भरत जी का ये मिलन देखकर पत्थर पिघलने लगे। अब आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित होगा उसकी क्या दशा भई होगी? गोस्वामी जी ने तो अपना कलम ही रख दिया। कहते हैं, मिलनी प्रीति की मी जाई बखानी, मिलनी प्रीति की मी जाई बखानी, कभी कुल अगम
करम मान पानी कवि कुल करम मान पानी अगम सने बाज सुरा गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी और राम जी के इस मिलन को प्रेम को कौन ऐसा कवि जन्म ले लिया है जो बखान कर पाएगा। अरे इस प्रेम के तत्व को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन नहीं जान सकता। एक घास होता है गाडर, बहुत लंबा लंबा होता है गांव में भाई जी, नहर पर खूब निकलते हैं गाडर, नहर पर लंबे लंबे हम लोगों से भी बड़े बड़े घास है वो गाडर। गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर इंदिरा कला विश्वविद्यालय भी है संगीत का, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, कई वाद्य भी सिखाए जाते होंगे। एक वाद्य है सितार, सितार में जो तार लगता है कितनी सुंदर ध्वनि निकलती है ना। गोस्वामी जी कहते हैं कल्पना करिए सितार के तार को निकालकर और उसमें वो गांडर बांध दिया जाए तो क्या गांडर के बंधने से सितार से सुंदर ध्वनि निकल सकती है क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गांडर से सुंदर स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार मति के मंद इस तुलसी से भरत और राम के प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। सो मैं कुमति कहो के ही भाति बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और राम जी की इस प्रेम को देखकर देवताओं की धुक धुकी बढ़ गई, सुरगन सभा धक धकी धड़की। क्यों देवता देखे भरत जी राम जी ऐसे मिल रहे हैं, कहीं भरत जी राम जी को लेकर वापस न चले जाए। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। आपको मैं एक भीतर की बात बताऊं, भरत भैया को राम जी को लेकर संदेह नहीं था, वो तो राम जी के प्रति विश्वास में थे। क्या आपने सुना परसों की कथा में भरत जी कह रहे थे आपन जान न त्यागी है मोही रघुबीर रघुनाथ जी मुझे अपना जानते हैं, मैं रघुनाथ जी का हूं, मेरे प्रभु मेरा कभी त्याग नहीं करेंगे। भरत जी के मन में दुविधा केवल और केवल मां जानकी जी को लेकर था। हम चारों भैया जन्म से एक साथ हैं, एक साथ खेले बढ़े पढ़े बड़े भय, एक दूसरे के स्वभाव को ठीक से जानते हैं। मैया तो मिथिला से आई है, हो सकता है कि वो इस भरत को ठीक से न जान पाई हो और कहीं उनके मन में ये बात ना आ गई हो कि हम उन लोगों के वनवास में कहीं भरत की भी सहमति हो। और यदि मां ही सोच लेंगी ऐसा तो फिर ठौर कहां मिलेगा। भरत जी ये सोचकर चिंतित थे। और आपको वो बताऊं चित्रकूट में जब भरत भैया पहुंचे, और आपसे एक निवेदन करूं, देखिए हम चेहरे से कुछ भी बोलते रहे लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोला करती हैं। आदमी मुख से तो बोलता है आइए आइए बहुत अच्छा लगा आप आए घर में, मुख से बोलता है भीतर सोचता है कहां से आदमी चला आया बताओ। मुख से तो झूठ बोलता है लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। भरत भैया ने मां के नेत्र को देखा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लखी सीता। भरत जी अपने ऊपर सब प्रकार से जानकी मैया को अनुकूल देखे, सब विधि सानुकूल अपने ऊपर अनुकूल लखी सीता। भरत जी को क्या भया, भेद
निसोच उर अपगर बीता। भरत जी का सारा संशय, सारा संकोच, सारा डर सब समाप्त हो गया। क्यों? मैया मेरी प्रसन्न है, उनका सारा संकोच समाप्त हो गया। जिसके साथ माई बाप रहना है, यदि वो विश्वास में आ जाए ना, तो मनुष्य संसार के किसी भी दुर्गम लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकता है, यदि साथ रहने वाले विश्वास में रहे तो। और यदि साथ वाले ही संशय में रहे तो आप बहुत कुछ भी होकर कुछ नहीं बन पाएंगे। भरत भैया आनंद में आ गए, राम जी से दूर से निषाद राजगुरु ने दंड प्रणाम करके कहा, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर पूरा समाज आया हुआ है, शत्रुघ्न भैया को राम जी सीता मैया की सेवा में रखे, सिय समीप राखे रिपु दमनु। और दौड़ कर राम जी गए, जाकर सबसे पहले गुरु जी को राम जी ने दंडवत किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है और यहाँ दर्शन करिए। गुरु जी से मिलने के बाद राम जी अपनी माँ कौशल्या से नहीं मिले, राम जी अपनी नई माँ से मिले। अब आप सोचोगे महाराज जी नई माँ कहां से आ गई? देखिए कौशल्या जी ने राम जी को जन्म दिया था, परंतु कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दी थी, इसलिए कैकेयी मैया भी राम जी की जननी है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। राम जी बोले हैं कैकेयी मैया को जननी। जननी आप सबको नहीं बोल सकते, जननी वही है जिसने आपको जन्म दिया है, माता भले सबको बोलिए। राम जी जब आए कोप भवन में तो आने के समय कैकेयी मैया को माता कहे, मोहि कहूं मात तात तात दुख कारण। परंतु जब राम जी को पता चला कि मां ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। राम जी कहते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़। आते समय कैकेयी मैया को माता बोले और बात सुनने के बाद जननी बोलने लगे। क्यों? राम जी कहते हैं माँ कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, लेकिन आज मेरी माँ कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है।